अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जान। खरगोन जिले में फर्जी तरीके से बैंक लोन दिलाने के नाम पर दलालों के कई गिरोह सक्रिय हैं, जिनके द्वारा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अलग अलग बैंकों से लोन निकालकर करोड़ों रुपए के घोटाले को अंजाम दिया गया है। इनमें से कुछ आरोपी जेल में सलाखों के पीछे बंद हैं और बड़े गिरोह की साजिश की आशंका है। वहीं ऐसा ही एक मामला खरगोन के गोगावा में मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक से जुड़ा है, जिसमें बैंक के 54 खातेदारों द्वारा एक साथ कई बैंकों से फर्जी दस्तावेज के आधार पर लोन निकाल लिया और बाद में ऋण जमा नहीं किया। हाल ही में बैंक की जांच में करीब 2 करोड़ का घोटाला पकड़ में आया है। बैंक प्रबंधक के इसी शिकायत गोगावा थाने सहित पुलिस अधीक्षक को की है। वही बैंक प्रबंधक शिव कुमार तवर ने बताया कि संबंधित डिफॉल्टर खातेदारों के विरुद्ध FIR दर्ज करने के लिए SP कार्यालय और गोगावा थाने पर आवेदन दिया है, जिसमें लिखा गया कि 2012 से 16 के बीच 54 खातेदारों ने कृषि भूमि बंधक रखकर बैंक से अलग अलग लोन लिए थे। इन्हीं खातेदारों ने बगैर नोटिस के सोसाइटियों सहित खरगोन की प्राइवेट बैंकों से भी लोन निकाल लिए, जो कि सीधे तौर पर धोखाधड़ी है। ऐसे में संबंधितों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की मांग की गयी। NPA खातों की जांच में पोल खुली। प्रबंधक तवर के मुताबिक वरिष्ठ कार्यालय द्वारा 1 अक्टूबर को डिफॉल्टर ऋण NPA खातों की जांच के आदेश जारी हुए थे। बैंक में पुराने बकायेदारों की फाइलों की जांच की गई तो पता चला कि कई लोगों ने स्थानीय बैंक के अलावा अन्य ब्रांचों से भी लोन निकाले हैं। एक एक व्यक्ति से संपर्क किया गया। 2-3 प्रकरण ऐसे भी हैं जिसमें ऋण धारक द्वारा जमीन का सौदा कर दूसरे व्यक्ति को जमीन बेच दी, जबकि कृषि भूमि से संबंधित दस्तावेज बैंक में बंधक हैं। सर, किस तरह से फर्जी ऑर्डर सामने आया आपके बैंक? सर, हमारी शाखा के द्वारा कुछ डिफॉल्टर खातों की फाइल जांचने पर यह पाया गया कि उनके द्वारा अन्य बैंकों से भी ऋण लिया गया हुआ है। कृषि भूमि उनकी वही है जो हमारी बैंक में लगी हुई है, और कुछ किसानों के द्वारा उस भूमि पर अन्य बैंकों से ऋण लेने के अलावा भी जमीन को ट्रांसफर भी कर दिया गया है एवं कुछ किसानों द्वारा जमीन को बेच दिया गया है। हमारे द्वारा सर्वप्रथम किसानों से चर्चा की गई, उनसे मिलकर बात की गई कि भैया आप राशि को जल्द जमा कर दें और खाते को बंद कर दें, लेकिन किसानों के द्वारा कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। फिर हमारे द्वारा 29 नवंबर 2021 को सर्वप्रथम SP कार्यालय में सूचना दी गई कि इन किसानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। उसके पश्चात 9 दिसंबर 2021 को थाना गोगांव में भी सूचना दी गई है कि इनके खिलाफ उचित कार्रवाई करने के निर्देश जारी करें। कितने प्रकरण है सर? अभी वर्तमान में हमारे पास 54 प्रकरण है जो हमने थाने में जिनकी सूचना दी है। कितनी राशि होगी सर इनमें? सर 54 प्रकरणों में लगभग 2.5 करोड़ के आसपास राशि है। तो पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है अभी? सर उनको खाली हमारे पास उनकी प्राप्ति आई है, अब जैसे वो आगे निर्देश देंगे उसे देखते हैं क्या बताते हैं वो अगली कार्रवाई के लिए। तो अलग अलग बैंकों से धोखाधड़ी की गई है इसमें? हाँ सर, उनके द्वारा मतलब सोसाइटी बेटनेरा, सोसाइटी गोगावा, सोसाइटी ठिपगांव, HDFC खरगोन बैंक का नाम भी आ रहा है उसमें, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी आ रहा है, सब बैंकों के द्वारा ऋण लिया गया है। ऐसे कितने गाँव होंगे आपके बैंक क्या क्षेत्र के अंतर्गत? सर ऐसे तो बहुत सारे गाँव है हमारे पास, लेकिन जो सर्वप्रथम ज्यादा गाँव आ रहे हैं बेटनेरा का है, रेगांव का है, बलखड़िया है, खुड़गांव है, सुरपाला है और अपना बिलखेड़ खुर्द है। इन गांव किसानों के द्वारा फर्जी ऋण लिए गए हैं। गोगावा में शिकायत दर्ज हुई है और अभी उसके डॉक्यूमेंट्स हमें प्राप्त नहीं हुए। बैंक द्वारा कुछ फर्जी लोन लेने की शिकायतें दी गई हैं, इसमें TI गोगावा जो है जांच कर रहे हैं। जांच के बाद जैसी स्थिति बनेगी हम उसमें वैधानिक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। सर उसमें बताया कि और भी कई जगहों से उन्होंने ऋण लिया है फर्जीवाड़े के? हाँ, इसी में जांच हो रही है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स अभी तक प्रस्तुत नहीं किए हैं। डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ही उसमें हम किसी निष्कर्ष से पहुँचेंगे, उसके बाद वैधानिक कार्रवाई किया जाना हम सुनिश्चित करेंगे। डिजियाना न्यूज़ रिपोर्ट खरगोन।